गया है काशीपुर वाले बाबा निराला के आश्रम का द्वार और एक बार फिर से आस्था का चोला ओढ़े अपने भक्तों के सामने आ गए हैं बाबा निराला, जो इस बार खुद को बता रहे हैं भगवान। बाबा निराला इस बार ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। इस बार वो भगवान बनकर भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि बाबा निराला का आश्रम अब एक बदनाम आश्रम बन गया है। बॉबी देओल की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज आश्रम 3 का फैंस लंबे टाइम से वेट कर रहे थे और अब सीजन 1 और 2 के बाद फाइनली मेकर्स इसका तीसरा सीजन रिलीज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सामने आ गया है आश्रम सीजन 3 का ट्रेलर, जो पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा है और बाबा बने बॉबी देओल इस बार पक्का आपको डरा देंगे। वैसे खास बात तो ये है कि इस बार आश्रम 3 को लेकर एक बदनाम आश्रम टैगलाइन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये तो साफ है कि इस बार भी बॉबी देओल बाबा निराला बनकर अपनी काली करतूतों को अंजाम देते रहेंगे। तो चलिए फिर जानते हैं कि इस बार ट्रेलर में ऐसा क्या खास है और किन किन नए लोगों की इस बार एंट्री हुई है। ट्रेलर की शुरुआत में जहां एक तरफ पम्मी बाबा को मारना चाह रही है, तो वही दूसरी ओर बाबा के नाम के जपनाम नारे लग रहे हैं और बाबा कहते हैं, जो मैं बोलूं वो कानून, मैं जो चाहूं मुझे मिले, मैं हूं पूरी तरह भय मुक्त। ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर अमेजिंग है। बॉबी देओल शानदार लग रहे हैं और लग रहा है कि इस बार खौफ और भी ज्यादा वो फैलाएंगे। बाबा अपने हिसाब से हर नियम को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। बाबा अपने काले मंसूबों को फैला रहे हैं। एक बार फिर बाबा की अंधेर नगरी में जुल्म मचेगा, क्योंकि बाबा कहते हैं निडर बनो, सत्ता के लिए बाबा की ललसा तेज हो गई है, जिससे वो अजय हो गए हैं। बाबा विश्वास करते हैं सबसे ऊपर होना और सोचते हैं कि वो ही भगवान है, इसलिए अब सिर्फ बाबा का चोला ओढ़े नहीं बल्कि कलयुग का भगवान बनकर खुल्लम खुल्ला भक्तों की आस्था के साथ वो खिलवाड़ करेंगे। बाबा के इस बदनाम आश्रम में महिलाओं का शोषण जारी है, नशीली दवाओं के व्यापार होते हैं और ये शहर की राजनीति को नियंत्रित करते हैं। वहीं जहां पिछली बार आश्रम में बोल्डनेस का तड़का बबीता भाभी के रोल में त्रिधा चौधरी ने लगाया था, तो इस बार वैसा ही मिलता जुलता रोल जो है वो ईशा गुप्ता प्ले करती हुई नजर आ रही है। वो बाबा निराला के अंधविश्वास में कैद और बोल्ड लुक में नजर आ रही है, लेकिन फिर ट्रेलर में ऐसा कई बार लगता है कि वो बाबा को एक्सपोज करना चाहती है। आश्रम 3 में बॉबी देओल और ईशा गुप्ता के अलावा अदिति पोहनकर, चंदन रॉय सान्यल, दर्शन कुमार, अनुप्रिया गोयंका, सचिन श्रॉफ, अध्ययन सुमन, त्रिधा चौधरी, विक्रम कोचर, अनुरिता झा, रुशाद राणा, तन्मय रंजन, प्रीति सूद, राजीव सिद्धार्थ और जया सील घोष नजर आएंगे। ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि बॉबी देओल अब ओटीटी के किंग बनते जा रहे हैं और भोपा स्वामी के रोल में चंदन रॉय भी बेहद शानदार लग रहे हैं और दमदार लग रहे हैं। पुलिस वाले के रोल में दर्शन कुमार काफी जच रहे हैं। प्रकाश झा ने इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। MX प्लेयर ओरिजिनल पर इस सीरीज के सभी एपिसोड्स 3 जून से मुफ्त में स्ट्रीम होंगे। बाकी जब सीरीज आएगी तो उसका रिव्यू तो हम आपको दे ही देंगे। बाकी आपको ट्रेलर कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और न्यूज तक को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बहुत सारी एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें हम आपके लिए लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।